थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी फोटोज पसंद आई। दरअसल मेरा नेचर के साथ अभी भी नाता जुड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, उसको कैप्चर करना और अरे बस करो। क्या कर रही हो? मैं इंटरव्यू दे रहा था। बाद में बात कर लेना। गुरु माता आज साड़ी में क्या बात है? मैं पैर छूंगी, तुम आशीर्वाद देना। ओ अच्छा अच्छा, क्या बात है, संस्कारी लड़की बन गई। एक सेकंड ना। सदा क्या आशीर्वाद देते हैं, याद नहीं आ रहा यार। सदा सुखी रहो, जल्दी से तुम्हें एक हैंडसम डैशिंग पति मिले। हाँ हाँ वही वही, तुम समझ गए ना। ठीक है, जो तुमने बोला वो सदा रहो, ये लो। चिमटी काट रही, नॉटी गुरु माता। क्या नौटंकी है? हाँ हाँ, ये सब क्या लगा रखा है? ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, शादी से पहले होने वाले पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेना। वो तुम्हारा पति नहीं बनेगा। बनेगा क्योंकि घर वालों ने कहा है, बहुत पहले से ही फिक्स है। पर उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लिसन नित्या, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ओके सूरज, सूरज कैन यू प्लीज कम हियर। सूरज सूरज, एक मिनट एंडिया, मैं बस अभी आया। सूरज, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? ये सब क्या है? दिए हैं। वेरी फनी, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था, वो सब? अच्छा वो सब, अरे इसने मेरे पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया, देखा जाए तो एक तरह का एक्सचेंज है, ये हम बचपन से कर रहे हैं। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी फैमिली में चलता है। पैर उसी के छुए जाते हैं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली हो, तो क्या तुम्हारी शादी इससे होने वाली है? क्या सूरज, मैं इस कंफ्यूजन से तंग आ चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे किस बात का कंफ्यूजन, जानना चाहते हो? प्लीज बताओ। नित्या तुमसे लव करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। सॉरी यार मैं हंस रहा हूँ, पर इस बात पे हंसू नहीं तो और क्या करूँ मैं। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक ही है, और क्या हो सकता है। ओके बताओ, क्या तुम उससे प्यार करते हो? अरे हम सिर्फ दोस्त हैं, उसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अगर उससे प्यार नहीं है तो यही बात उसके सामने कहो ना। निकी, नित्या अभय से प्यार करती है। ठीक से समझाओ। नित्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हम सिर्फ दोस्त हैं। अब तो तुम खुश, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं और नित्या प्यार कर सकते हैं? अब भी इसे मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा। नित्या यार तुम ही समझाओ कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, समझाओ इसे। हम लवर कैसे हो सकते हैं, बस बचपन से साथ रहे हैं, हर सीक्रेट शेयर किए हैं, बस दैट्स ऑल। इसे लव थोड़ी कहते हैं, खुशी या गम शेयर करने से क्या होता है, फीलिंग्स तो शहने की ना। कुछ भी नहीं है हमारे बीच। थैंक यू। ये कैसे बिना सर पैर की बात कर रही हो, हम एक दूसरे से प्यार करते होते तो शादी से भागते ही क्यों? अरे कुछ तो सोच के बोला करो। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो प्यार में विश्वास ना हो तो वो टिकता नहीं है, इसलिए तुम जो कहो मैं करूंगा, मैं अपने प्यार को साबित करूंगा। निकी बताओ मैं क्या करूं। अरे ये फिर रोना चालू कर दिया। एक सेकेंड, एक मिनट। निकी आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी, यस ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी। कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों सेलिब्रेट करो, मैं जाती हूँ। True love.
कि तुम सही थी, वो बस मेरा एक वहम था, वो मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत बड़ी इडियट हूँ मैं। I'm a fool. I'm such a big fool. ऐसा मत कहो, तुम गलत नहीं थी, तुम उसे प्यार करती हो, तुमने ये महसूस किया है और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। थैंक्स, तुमने सूरज से कुछ नहीं कहा, पता नहीं मैं किस वहम में जी रही थी। I'm really sorry, नित्या। No, I'm sorry. जबरदस्ती अपना प्यार थोप रही थी मैं। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम बिल्कुल सही थी। He's yours. हाय दद्दू। हे नित्या, तुमने तो कहा था तुम सरप्राइज दोगी। मैंने ऐसा कहा था? वो मैंने कार्तिक पूर्णिमा में दिए। हे नित्या, बेटा क्या हुआ? बेटा कुछ मत पूछे, मैं नहीं बता पाऊंगी दद्दू, आंसू रुक ही नहीं रहे। नित्या, अभी नहीं दद्दू, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे अरे, इससे पहले कि तुम फोन रखो, मुझे कुछ कहना है। दुख में हिम्मत रखना सीखो, खोई हुई खुशी जरूर मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दद्दू। साइलेंस। थैंक यू। दूल्हे के दादा और दूल्हे की दादी कहाँ हैं? सुना है कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स थे। अरे भाई, आ ही रहे हैं। लड़की वाले सारे लेफ्ट में खड़े रहेंगे और लड़के वाले सब राइट में खड़े रहेंगे और दादा दादी एकदम बीच में बैठेंगे। आप परफेक्ट पिक्चर आएगी। ये बच्चा दादी सिंहासन पे बैठोगे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज आ जाऊंगा ना। सफेद बाल वाले बूढ़े दादाजी हैं। चलो जल्दी करो, फोटो निकालो ना। दूल्हा दूल्हा नहीं है तो शादी का एल्बम कैसे पूरा होगा? ये नित्य कहाँ है? वो तैयार हो रही है। नित्या, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओ, बस दो मिनट। हाँ okay. तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। सुनिए जी, आपका पोता कहाँ है? वो देखो। नित्या, दादाजी। दादाजी, नित्या खिड़की से कूदकर भाग रही है। नित्या, अरे नित्या रुको, अरे नित्या धीरे भागो, रुको, अरे रुको, रुको, मेरी धोती खुल जाएगी। अरे रुको नित्या, आने में पूरे 7 मिनट लेट हो तुम। अगर और लेट होती ना, 7 फेरे हो चुके होते। जल्दी गाड़ी में बैठ। निकल, निकल, जल्दी चला, चला, चला। गाड़ी निकालो। नहीं,
वाह, पहली बार देख रहा हूँ कि एक दुल्हन अपने दूल्हे को मंडप से उठाकर भाग रही है। पर वो दोनों भाग क्यों गए? दोनों साथ बड़े हुए, एक दूसरे के दोस्त भी हैं और उनकी शादी होने वाली थी। अरे यार, प्यार अपने आप होना चाहिए, माँ बाप के धक्का देने से नहीं। जिंदगी का सवाल है यार। फ्रेंडशिप होती तो ये रिश्ता वो कभी नहीं करवाते। दोनों में प्यार है इसीलिए तो शादी कर रहे थे दोनों। वही तो, फ्रेंडशिप को प्यार समझ लिया। इस उम्र में ऐसी मूवीज देखेंगे तो यही होगा ना। दोनों में फर्क क्या है? चुप कर, रास्ते पे ध्यान दे। एक बार हमसे डिस्कस तो कर लेते। पिज्जा डिलीवरी से फास्ट शादी तय कर दी, हमारी मर्जी तो पूछी नहीं। गलती हमारी है, उन पर ये निर्णय थोपा। हम यही चाहते थे ना कि एक दूसरे का साथ रहे। अभी भी तो साथ ही है। सोचा है हम कहाँ जाएंगे? सस्ते पेट्रोल वाली जगह गोवा। गोवा में कहाँ? शरद चिल गाइस, गोवा का हूँ मैं, वहाँ की सारी सेटिंग मैं कर दूंगा। मेरा एक दोस्त यूएस चला गया है, उसका घर पूरा खाली है, हम वहाँ चले जाएंगे। परफेक्ट, यस। फ्रीडम, आजाद होके कितना अच्छा लग रहा है। प्रेम की भाषा कुदरत बखूबी समझता है, हर एहसास को समझता है। ईश्वर ने मुझे सिर्फ प्रेम करना सिखाया। कुदरत में शामिल हर चीज में प्रेम है और सदा रहेगा। फूलों का खिलना, बारिश का गिरना, मैं ही हूं। तुम्हें जगाने के लिए हर दिन सूर्योदय बन के आता हूं, झरना बन के तुमसे बात करता हूं, तुम्हें लुभाने के लिए कभी इंद्रधनुष बन जाता हूं, तुम्हें सुलाने के लिए रात को सितारों की चादर बन जाता हूं। तुम्हारी सहायता में तत्पर रहूंगा, बस मुझे अनुभव करने का प्रयत्न करो। पक्षी की मधुर ध्वनि, फूलों की लुभावनी खुशबू, पेड़ों से निकलने वाला प्राण वायु, मैं तुम्हारी हर सांस में शामिल हूं। दिन मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा। सूरत है ना, फील कर सकते हो? क्या फील करूं? नीचे को, इस एनर्जी को। नीतू, नीचे हमसे कुछ कहना चाह रहा है। Try to listen, वरना मिस कर दोगे। नेचर तुम्हारा नेटवर्क कैच कर रहा है क्या? कम। अरे चलो ना नीतू। Relax, just feel the moment, इस पल को फील करो। अरे कौन सा मोमेंट, कैसा पल यार? या तो हम पास्ट को याद करते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं, पर अफसोस की बात है कि हम प्रेजेंट को भूल ही जाते हैं। तो अपने दिमाग से हर थॉट को डंप कर दो एंड सी ओनली द सनसेट, नथिंग एल्स। इस हर लम्हे को एंजॉय करो। जरा ये देखिए, दुल्हन के भागने की टनाटन फोटो आई है। शादी का एल्बम ऐसा होता है क्या? क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए क्या? हाँ, हाँ, हाँ। कितने हुए? सगाई और शादी के लिए 1 लाख की डील तय हुई थी, अब शादी टूट गई है तो 25,000 में ही काम हो जाएगा। 10,000 ही है, तेरे लिए काफी है, जाए ऐसे। मैडम,
कहीं और शादी तय हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। हाँ नहीं मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। भैया कुछ खबर मिली उनकी? पेपर में ऐड दे दूं क्या? अब तक दिया नहीं, इतनी देर हो गई। क्या करें अब? जल्दी ढूंढना होगा ना। उनके बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, उसके दोस्तों से भी बात कर ली, कोई जवाब नहीं दे रहा। पता नहीं बस यही कह रहा है। चेक। ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोग टेंशन में और आपको खेलना सूझ रहा है। जरा ये पढ़ो। दद्दू बचपन से मैंने आपको अपनी हर बात बताई है और अपना हर सीक्रेट शेयर किया है। हमें ये शादी मंजूर नहीं है। हमारे बीच एक ही रिश्ता है और वो है फ्रेंडशिप, जिसे आपने प्यार समझ लिया है। लाख कोशिशों के बाद भी आपको ये नहीं समझा पाई। करियर हो या लव, अपनी मंजिल में खुद ढूंढ लूंगी। मुश्किलों से ही इंसान जीना सीखता है। मुझे आप मेरा संघर्ष करने दीजिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई या फिर मैं आपको एक और लेक्चर दूं? ये पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन अपने आप पर। अरे वो दोनों क्या चाहते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं। इसमें क्या हमारी गलती थी? आंटी क्या आप भी उनके इस फैसले से सहमत हैं? तो अब क्या करना चाहते हो? उन्हें जाके पकड़ोगे? इस वक्त उन्हें जरूरत है थोड़े फ्रीडम की। यही उम्र है कुछ करने की, सीखने की। उन्हें सीखने दो। अच्छा सुनो तो, तुम मुझे सच बताओ, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया? कहाँ रह गई यार? जल्दी आना, I'm waiting. ए, अरे क्या कर रहे हो तुम? हुआ हो? तुम्हें तो नेचर की बहुत समझ है। मेरी लेडी साधु, इसे समझने के लिए नेचर की नहीं कॉमन सेंस की जरूरत है। और तुम तो नॉन सेंस हो। सूरज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको, ये तो देख, अरे लग जाएगी। अरे तुम दोनों कभी मैच्योर नहीं होगे। जल्दी चल, कुछ दिखाना है। क्या? तो कैसा है? वाओ, इट्स परफेक्ट। यस। पता है मैं अपनी क्लासेस यही शुरू करूंगी। क्लासेस? ए, मिस्टर जासूस बाहर आ जाओ। नीतू, मैं कौन हूँ? तुम्हारे बचपन का दोस्त। सबसे पहले बात मुझे बोलनी चाहिए थी, पर तुमने बताई इस 250 ग्राम मुल्तानी मिट्टी को। स्टॉप इट। मिट्टी किसको कह रहा है? ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी मेडिटेशन क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। फिर से साधुगिरी शुरू? तुम तो रहने दो, तुम्हारी ये सब समझ कहाँ आएगा? इस जगह में एक मैजिक सा है, नेचर का म्यूजिक है, और नेचर से कनेक्ट करना है तो मेडिटेशन ही एक मीडियम है। यार नीतू, ये मॉडर्न जमाना है, 4G 5G का, सब ऑनलाइन करना चाहते हैं। ओह, तुम्हारे पास आकर नहीं। एग्जैक्टली, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। हर कोई अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी है कि खुद को जानने का टाइम ही नहीं है। किसी को नहीं पता उसका दिल क्या चाहता है, और मैं सबको दिखाना चाहती हूँ फील करना क्या होता है। अरे दिल एक्शन चाहता है। प्लान को चेंज करो, कुछ स्टाइलिश करो, कुछ ट्रेंडी, जुम्बा, एरोबिक्स, ये योगा वोगा से कुछ नहीं होगा। वो जो चाहती है उसे करने दो, बीच में मत आओ। तुमने भी अपने मन की ना,
पहले जैम फैक्ट्री खोली, फिर फोटोग्राफी का भूत चढ़ा, एक बार मैरिज वीडियोस भी ट्राई किए, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। जलकुकड़ी, क्यों है यहाँ पर? निकल यहाँ से, निकल जल्दी, निकल जल्दी। कमला लेता, लेट्स गो एक्सप्लोर गोवा। हाँ, लेट्स गो। नीतू, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लो, तुम्हारा मेरा दोनों का काम हो जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये लग जाएगा। अरे डंडा फेंक, क्या कर रही हो? तो नीतू, तुम्हारी लाइफ में मैजिक है, नेचर का डीजे है जो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता, इस सबसे तुम्हें मिलता क्या है? फील करके देखो, तुम्हें भी वो हैप्पीनेस मिलेगी। कौन सी वाली? प्यार की। Are you in love? I'm in love. कौन है वो बदनसीब? खुद से। क्या बकवास है? सूरज, पता है दुनिया का हर इंसान प्यार कर सकता है, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसे फील कर सके। जब दो दिलों में कनेक्शन हो जाता है ना, तो उसी पल प्यार हो जाता है। बस उसी एक पल का हमें इंतजार करना होता है। नित्या, कनेक्शन तो हम दोनों के दिलों में भी है, पर प्यार नहीं है ना। उसके लिए चाहिए एक स्पेशल लड़का और एक स्पेशल, बहुत सारी स्पेशल लड़कियां, तब मजा आएगा। ऑफ कोर्स, लव की फीलिंग दो वे ट्रैफिक जैसी होती है, सिर्फ एक ही फील नहीं कर सकता, दोनों को करना होता है। सो फर्स्ट लव योरसेल्फ। दूसरों को प्यार कर पाओगे अगर पहले खुद से प्यार करोगे। एक मैग्नेट जैसा फील होगा, यू विल अट्रैक्ट ऑल द लव, यू नो, जहां देखोगे वहां प्यार ही प्यार होगा। बहुत जल्द मेरा राजकुमार मेरी लाइफ में जरूर आएगा। आई कैन फील इट, ये हवाएं कह रही है मुझसे, बस एक बार वो मिल जाए, लाइफ में और क्या चाहिए। जब फीस भर के कोई नहीं आ रहा, तो शायद फ्री का ऑफर दो तो आ जाए। What do you mean? क्लासेस की बात कर रहा हूँ, 7 बजे की थी, 7:30 हो चुके हैं। शायद आने में लेट हो गए। हाँ, सही कहा, सब साथ में ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। बोला था ना मैंने कोई नहीं आएगा, देखो अब भी देर नहीं हुई है, चलो दूधी का जूस पीते और ब्यूटी पार्लर का प्लान बना। दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, सेशन तो शुरू होके ही रहेगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा नीतू, रोज ना मच्छर बहुत काट रहे हैं, कोई ऐसा पोज बताओ जिसे देखकर मच्छर हमेशा के लिए भाग जाए। Excuse me, यहाँ पर ऐसे अकेले बैठकर हंस क्यों रहे हो? किसी ने कोई जोक सुनाया है क्या? मैंने ही सुनाया। कोई और हंसे उसे जोक क्रैक करना कहते हैं, अगर खुद हंसो तो उसे हाफ क्रैक कहते हैं। मेडिटेशन क्लासेस कहाँ चल रही है? मेडिटेशन क्लास इस तरफ है और बच्चों का पार्क उस तरफ है, जाओ। सवाल का जवाब रिस्पॉन्स होता है, बिना पूछे जवाब दिया जाए तो नॉनसेंस होता है। मेरी माँ तू है कौन? मेडिटेशन की स्टूडेंट हूँ। तेरी तो वैक्सीनेशन बची है, तुझे मेडिटेशन करनी है? मेडिटेशन के लिए एज की जरूरत है। जाओ बेटा, इस तरफ क्लासेस है। निक्की दीदी, हरी अप। आजकल के बच्चे। Breathe in love and breathe out love. सोचो कि तुम एक बीच पर हो और सनसेट हो रहा है, तुम रेत पर चल रही हो, फील इट। और चलते हुए लहरें तुम्हारे पांव को चूम रही हैं। समुद्र की नमकीन हवा तुम्हें छू रही है, तुम इस पल को पूरी तरह महसूस कर रही हो, अपने में समा रही हो, जिससे तुम्हें शांति मिल रही है और तुम्हें इतनी खुशी महसूस हो रही है कि तुम्हारा मन कर रहा है तुम खुशी से झूमो। यहाँ बस शांति है और शांति के अलावा और कुछ नहीं। डूबते हुए सूरज की सुंदरता को देखो और उसे महसूस करने की कोशिश करो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम स्वर्ग में हो। ट्राई टू फील इट। अब तुम्हारा मन शांत हो गया है और तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। फील योर लव। जिस प्यार को तुमने अपने अंदर रखा है, लिसन टू इट, फील इट, listen to it, follow it.
आई एम निकिता, यू कैन कॉल मी निकी। ओह निकी, आई एम ललितास फ्रेंड। राइट, उसने मुझे बताया था तुम उसकी बॉस की बेटी हो ना। सही पहचाना। हाय, आई एम जानवी, जानू। हाय, आई एम नित्या, जस्ट नित्या। मैं आपके सेशन की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। रियली? फिर तो तुम बहुत स्पेशल हो। निकी, अच्छा नाम है। जानवी। व्हाट? हाय, मेरा नाम सूरज है। तो मैं क्या करूँ? वो तुम्हारी बहन है। बहन नहीं तो क्या आंटी लगती है? कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या? कभी सीधा सवाल नहीं पूछ सकते क्या? क्लासेस में डिस्काउंट चाहिए? नो, व्हाटएवर। तुम्हारी बहन से पूछो, शायद उसे चाहिए। तुम्हारा ना दिमाग का कनेक्शन लूज लगता है। आया। तुम नहीं। तुम जानो, मुझे लगा मैं। नीतू, उठो ना नीतू। नींद आ रही है यार। अरे 5 बज चुके हैं। तुम मेडिटेशन टीचर हो, लेट होना तुम्हें शोभा नहीं देता। पागल हो गए हो क्या? क्लास 7 बजे की है। अरे पहले फ्रेश होना है, सनराइज को व्हाट्सएप करना है, नेचर को ट्वीट करना है, और मुझे भी तो योगा सिखाना है। उठो 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 उठो। ये हो गया और सब तैयार। नीतू 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 नीतू, तुम महान हो, तुम नारी शक्ति की पहचान हो। तुम्हारी मेडिटेशन मुझे इंस्पिरेशन दे रही है। आज से मैं तुम्हारा शिष्य बन गया, तुम मेरी गुरु माँ हो। बस मुझे आज्ञा दो, मैं आज्ञा का पालन करूंगा और तुम्हारे शिष्यों की दिल से सेवा करूंगा। वो बच्ची है ना जानवी, इतनी प्यारी है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है। ये है मेडिटेशन का जादू, और सबसे अच्छी मेडिटेशन तो उसकी है। वो तुम्हारे दोस्त की दोस्त है ना, क्या नाम है यार उसका, याद नहीं आ रहा। निकी, हाँ निकी है ना, वो बहुत अच्छी है। मतलब उसकी मेडिटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं भी आज से। समझ गई, तुम्हारी सारी बात समझ गई। मेरी बात इतनी जल्दी क्लियर ही तो है। तुम्हारा दिल अटक गया ना मेरी स्टूडेंट निकी पे, है ना? बिल्कुल सही गुरु माता, बिना बताए सब समझ गई, है ना? कितनी अच्छी बात है। तो मैं क्या करूं? अरे दे 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 दे। औरत की दुश्मन होती है। मैं आदमी और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो? देखो अगर तुम्हें कभी कोई पसंद आया ना तो उसे उठा के ले आऊंगा, अपनी जान पे खेल जाऊंगा। ओह माय गॉड, तुम मेरे लिए एक हाफ गर्लफ्रेंड का इंतजाम नहीं कर सकती? प्लीज ना गुरु माता, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ देखो आ गई। हाय निकी, करेक्ट टाइम पर आई हो। इसने कहा है मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवाऊं। ओके, तुम काम बना रही हो या बिगाड़ रही हो? हेलो, तुम्हें शायद पता नहीं है पर ये मॉडर्न एज है। अच्छा, नो टाइम वेस्ट, सीधा पॉइंट पे। मैंने सही कहा ना, कितनी अच्छी दोस्त हूँ मैं। बाय बाय। हाय हाय निकी। सूरज, सो हवा कितनी, मतलब हवा कितनी अच्छी चल रही है ना? ओ हाँ, हवा बहुत अच्छी है। दिल की आग और भड़क रही है। दिल की आग? मेरा मतलब, यू नो व्हाट, मुझे नित्या से काम है। सी यू लेटर। ऑलराइट। काम। नित्या, हे कम हियर। नित्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं तो, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने तो बस ऐसे गेस किया। एनीवे, तुम्हारी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। नित्या और खूबसूरत? बिल्कुल नहीं, खूबसूरत तो निकी है। निकी? She is only a fashion queen. लेकिन नित्या तो दिल से बहुत अच्छी है। That's why I love नित्या. जानू। आया। Hey, cute smile. मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। शाम को खाने चलें? निकी आइसक्रीम नहीं खाती, she's on a diet. आ गई जल कोकड़ी। आज शाम को क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट चलें? इस बंदर के साथ क्लासिकल म्यूजिक देखने जाएंगे तो और बोर हो जाएंगे। बोट पार्टी? निकी को बोटिंग अच्छी नहीं लगती, ये बोर हो जाती है। फैशन स्ट्रीट? लड़के के साथ शॉपिंग, इतने बुरे दिन नहीं आ गए। जेट स्की? ओके। यस 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 यस। हे गाइस,
Hey, hi. How's it going? Hi. Excuse me. Do more water bottles. You have Hey, तू हमारी का कैमरा लेकर आया है? तुम्हें क्या जरूरत थी? Wow. अच्छे है ना? हाँ. अभी तक भूत नहीं उतरा. अरे रे रे, इसमें सब एंग्री बर्ड जैसे क्यों दिख रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ए, ये मेरा बॉस है. तुम्हारा बॉस है? Hi, Dad. Hi. So, तुम्हारे Dad? Dad? कोई बकवास मत करना, ठीक है? चुप रहे. Hi, sir. Hi, शरद. Hi. Dad, ये सूरज है. Hi, sir. सब यही हो? Sit down. जी बिल्कुल. Okay, sir. कल कैमियार का शूट है ना? हाँ सर, डैनियल से वही डिस्कस कर रहा था. दो दिन का शूट है. अच्छा, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है. एजेंसी को पीटर नहीं चाहिए, उन्हें कोई फ्रेश टैलेंट चाहिए. सर, पीटर का रिप्लेसमेंट, वो भी दो दिन में शूट है तो इम्पॉसिबल है सर. यू मेक इट पॉसिबल. कैसे होगा, दैट्स नॉट माय कंसर्न. यू विल हैव अ गुड टाइम. सर सर, लेकिन मैं काय का मैनेजर हूँ. मैं सारे फैसले तो वो ही लेते हैं. अब कह रहे हैं पीटर का रिप्लेसमेंट कर दो. अब इतना अच्छा फोटोग्राफर मैं कहाँ से लाऊंगा? जूस छोड़, कुछ और मंगाया. ए, तेरे सामने बैठा है. इससे ज़्यादा टैलेंट काम नहीं जानता है. आज मैं सोचता हूँ कि पापा जो 2 लाख रुपए की घूस देकर गवर्नमेंट जॉब मुझे दिला रहे थे ना, वो मुझे ले लेनी चाहिए थी. तो इतने बुरे दिन नहीं आते. भूखा मरूंगा तुझे लूंगा तो. हे, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो. लड़का बहुत टैलेंटेड है. समझाओ इसको. ट्राई हिम. तुम इसे नहीं जानती होने की. क्यों नहीं? इसे काम दिया तो शरत अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. इसके फोटोज देखे तुमने कभी? 10 फोटो निकालेगा, उसमें से 9 फोटो आउट ऑफ फोकस होंगे. आउट ऑफ फोकस? यकीन नहीं होता ना. रुको, मैं इसके फोटोज तुम्हें दिखाता हूँ. ये देखो. अरे नहीं, ये देखो. क्या हुआ? इट्स अ मेडिकल मिरेकल. अच्छी नहीं लगी? फैंटास्टिक मैन. हाँ, कौन सी वाली? ये कब लिया? वाह, कब निकाली? शायद कल. क्या बात कर रहा है? इट्स रियली फैबुलस. देखा ना? सुपर्ब. मैंने खींची. कंग्रेचुलेशंस भाई, इस एड का फोटोग्राफर तू ही है. मजाक तो नहीं कर रहा? बोल दिया ना. चीयर्स. ओह माय गॉड, क्या बात है. चीयर्स. Yes, what a shot. नहीं यार, ऑनसाइड मारना चाहिए था. नो, बेयर. That was crazy. Cheers, man. Cheers. Love those guys. Bleed blue, man. Bleed blue. ये हाथ में बियर कहाँ से आ गई? Hey, तुम्हें कैसे पता कि बियर कहाँ पे रखी है? कौन हो तुम? Who are you? अरे, मेरे घर में मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मेरे घर में मुझसे ही पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? ओह, अभय. सूरज. शरद का फ्रेंड. मैं सूरज. हो शरद? अरे, तुम्हारा दोस्त शरद. अभी तो तुमने कहा तुम्हारा दोस्त. मतलब तुम्हारा फ्रेंड शरद, मेरा भी फ्रेंड शरद, हमारा कॉमन फ्रेंड शरद. मैं किसी शरद को नहीं जानता. उससे बात करता हूँ. हाँ दोस्त, बोल क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त अभय आ गया. कौन है भाई? ए, कैसी बातें कर रहा है? गोवा वाला, बंगले वाला, वही अभय. अच्छा, वो अभय आ गया तो क्या? एक मिनट. हाँ, वो एक्चुअली शिवा का फ्रेंड है. मैं उसे ठीक से जानता नहीं. ए, क्या बकवास कर रहा है? अब ये शिवा कौन है? मकान मालिक सामने बैठा है, चड्डी उतार लेगा मेरी. अरे कुछ नहीं होगा, चल बाद में बात करता हूँ. दो मिनट में कॉल बैक करेगा. कहाँ फंसा दिया यार. गया क्या? Thank you.
आज कुछ ज्यादा ही खुश हो, क्या बात है ऐसी? हाँ? कौन है वो? He's so cute. क्यों छोड़, झूठ पकड़ा गया? वो अभय है, इस मकान का मालिक। Oh my God, he's here. What to do? क्योंकि उसने खुद इसे कभी नहीं देखा। सुनो, मुझे उससे मिलवाओ ना। कैसी लग रही हो मैं? ठीक तो लग रही हो ना? जिंदगी में धमाका होने वाला और तुम लाइन मार रही हो। Hey सूरज, शिवा से मेरी बात हो गई है। तुमने बताया क्यों नहीं? शिवा is like my family. अगर शिवा मेरी फैमिली है तो तुम भी मेरी फैमिली जैसी हो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, ये मेरा हॉलीडे होम है। थैंक यू वेरी मच। अभय, ये नित्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाय। कह रही थी तुम बहुत क्यूट हो। इंट्रो के लिए बेचारी मर रही है। बोलना जरूरी है। ये मॉडर्न जमाना है, शर्माने का नहीं, सीधा मुद्दे पे आने का। ये ज्ञान तुम्हीं ने दिया था ना? सही है। हे, अम अभय। हाय नित्या। हाय। हाय। टी? या, शो। वेट 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 वेट। अपनी ही शादी से तुम दोनों एक साथ भागे? या। Dude, that's funny. वो तो है। सॉरी अभय, तुम्हारा कैमरा यूज किया, वापस रख दूंगा। Hey, that's okay. मेरे चीफ फोटोग्राफर के लिए है। ये इस ब्रांड का लेटेस्ट वर्जन है, जब चाहो यूज कर सकते हो। थैंक्स मैन। चीफ फोटोग्राफर कहाँ पे काम करते हो? नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का नाम सुना होगा। हाँ, I work there. Oh, that's cool, dude. मतलब सैलरी तो बहुत मोटी होगी। Hey, actually, मेरे दोस्त ने एक नया शिप लॉन्च किया है। इट्स अ नाइस प्लेस टू पार्टी। अगर हैंग आउट करना चाहो तो मे बी। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। वेरी गुड। ओए, ये फोटोज देखकर बॉस तुझे प्रमोशन देने वाला है। ए, मेरा बॉस नहीं, हमारा बॉस। पहली बार कुछ सही बोला, हमारा बॉस। चीयर्स। अरे नीतू, आराम से मिलेगा, और भी मिलेगा। अरे क्या कर रही हो, शरबत समझ के पी रही हो? या एक्सक्यूज मी, आई विल हैव जिन एंड टॉनिक। नीतू, अलग अलग ड्रिंक्स को मिक्स मत करो, सर दुखने लगेगा। आराम से पियो, फ्री की मिल रही है तो घटती मत जाओ। तुमने चिल करने को कहा था ना। गुरुवार तुम्हें कल पता चलेगा। ओह थैंक यू। नीतू यार, हद कर रही हो। थैंक यू, लेट्स हैव सम मोर फन। ड्रिंक। नीतू नहीं, ओ क्या कर रही हो, कितना एंजॉय कर रही है। हम घर से क्यों भागे थे? एंजॉय करने के लिए ना, तो एंजॉय करो, करो एंजॉय। मेरी दादी की तरह ड्रामा मत करो, ओके? नाइस प्लेस, यहां फिर से आए। यू नो, आई थिंक तुम बहुत क्यूट हो। I mean, I like you. I really like you. Thanks. Yeah. Dance करते हैं. Yeah. चलो. Let's go. नीतू, नीतू, नित्या, चलो आराम से। यस, खुल खुल खुल, ऑसम। यस नीतू, नित्या गेट अप, गुरु माता उठो। अरे नित्या, नीतू, नित्या, जय हो गुरु माता। गुड मॉर्निंग बेवड़ी। तुमने इसे बेवड़ी क्यों कहा? कुछ नहीं बेटा, इसके दिल में ना प्यार का नशा भरा है, इसलिए प्यार की नशेड़ी है बेवड़ी कहीं की। अरे यार,
सर दर्द हो रहा है। मैंने मना किया था ना सर दुखेगा, और पियो। क्या किया था मैंने? दुनिया की हर तरह की मदिरा को मिलाकर पी गई और फिर बोली ओह माय गॉड ना भाई यू सो क्यूट। हाय मैं मर जाऊंगा भाई। मैंने ऐसा बोला? मैं उससे बात करती हूँ। कल तो तुमने बहुत हंगामा किया, क्वीन वाली कंगना रनावत बन गई थी। गेट रेडी, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद कर लो और जोर से सांस लो। आगे क्या करना है बताती हूँ, अपनी सारी चिंता भूल जाओ। Actually, let's do dance meditation. Dance करते हुए meditation कैसे कर सकते हैं? Life में changes जरूरी है, क्योंकि change में ही मजा है। Get up. Stretch. इस तरह से। ये आप मेडिटेशन कर रही हैं? अब या ऑफ कोर्स। चीयर्स। चीयर्स टू सूरज for being most happening photographer. Oh, thank you. Really? I can't believe. इतना बड़ा कैंपेन है यार. You're lucky they called you. Oh, तुम्हें इसका काम देखना चाहिए. He's brilliant. और confidence तो master blaster था. Really? हाँ. You're the best, Suraj. Thank you. देखा कितनी तारीफ करती है. कभी झूठे मुंह भी तुमने मेरी तारीफ की है? Come, sweetheart. दोस्त कुछ काम भी नहीं होते. ये भी ना. नित्या. हाँ. तुमसे कुछ बात करनी थी. बाहर चल के बात करें? हाँ हाँ बोलो। ए सूरज, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा? वाह, शैंपेन, बारबेक्यू, पार्टी, बड़े मजे कर रहा है। इतने ताव में क्यों बात कर रहा है? ब्लडी यूज़लेस फेलो, सूरज सूरज, ब्लडी इडियट। कुछ आइडिया है तुम्हें? हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है, अकाउंट्स कैंसिल कर दिए गए। तुम्हारा अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट। रोड से भी अगर किसी फोटोग्राफर को उठाया होता ना तो तुझसे अच्छा काम किया होता। तेरी बकवास और वाहियात फोटोग्राफी पर भरोसा करने की मैंने सबसे बड़ी गलती की। सुनो ना, ए असिस्टेंट है अपनी औकात में रह। और निकी तुम तारीफ पे तारीफ करती गई। तुम तुम्हारे पास पैसा है, बड़ा घर है, कार है, सारे ऐशो आराम है, लेकिन कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है? I'm sorry, शरद। और आपका क्या बिगड़ा मिस्टर अभय कुमार? नित्या को खुश करने के चक्कर में अपने मैगजीन में इसकी बकवास फोटो छाप दी आपने। यहाँ पर अगर किसी का नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा, ब्लडी लूजर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, तू 10 जन्म भी ले लेगा ना तो भी पासपोर्ट साइज फोटो तू नहीं निकाल पाएगा। चैलेंज देता हूं तुझे, तू जैसा बेकार और यूजलेस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छी, चले। अभी तुमने सॉरी कहा उसे? थोड़ी देर पहले बोल रही थी मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ और फिर सॉरी बोली तो मैं क्या समझूँ, मैं अच्छा हूँ या नहीं? और क्या कहती मैं उसे? ओह ओके, अच्छा। फोटो अच्छी नहीं लगी थी तो बोलना चाहिए था ना, और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बाबू के ऊपर ध्यान दो, खाना जल जाएगा, इसे तो मत बिगाड़ो। बाहर में गए ये बारबेक्यू, मुझसे नहीं होगा ये सब। ओके, देखो दोस्तों, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, सुबह तक धमाल करेंगे, आ जाओ। ये मेरा बैग लाओ, तुम्हारा तो। हे सूरज, हम बाद में बात करेंगे।
जस्ट टेक इट इजी बडी। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जाओ मजे करो। हम कल बात करें क्या? उसे मेरी जरूरत है। कल नहीं, हम 3 हफ्ते बाद बात करेंगे। क्यों? US जा रहा हूँ। I'm sorry. No problem. Thank you. See you. Bye. Bye. दिल के अरमा दिल में रह गए। आ गए नीतू, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पता था तुम आओगी। बैठो, अभी ड्रिंक बनाता हूँ। तुम्हें भी नहीं रुकना तो जाओ यहाँ से। पानी पी रही हूँ। ओके, आज हम पार्टी करेंगे और खूब मजे करेंगे। बहुत हर्ट हुए हो ना? हर्ट किस लिए? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये बारबेक्यू है क्या? भजियों की तरह बस कोयले पे तलना होता और क्या? हो जाएगा, मिनटों में लाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। सूरज, अपने इमोशंस को दबाना बंद कर दो। अंदर गुस्सा है, उसे एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हो? गुस्सा क्यों होऊंगा? कोई वजह ही नहीं मेरे पास। उसे फोटो पसंद नहीं आई तो मुंह पे फेंक दी, तो इसलिए गुस्सा थोड़ी होऊंगा मैं। कुछ भी यार, वैसे भी वो है कौन? नहीं मतलब उसकी औकात क्या है? दो कोरी का मैनेजर, वो बताएगा मैं क्या कर सकता हूँ? क्या बोला उसने मुझे कि मैं कभी फोटोग्राफर नहीं बन सकता? मैं नहीं बन सकता? कौन है वो? कौन है? मुझे सिखाएगा, मुझे सिखाएगा। यही मौका है खुद को जानने का। तू इसे ब्लेम मत करो, अपनी गलतियां देखो। तुम नेचर फोटोग्राफी अच्छे से करते हो तो शरद को हाँ ही क्यों कहा? मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी यार, मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ। I am the best, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। लोगों को भी तो लगना चाहिए ना। पर तुम्हें तो पता है ना, तुम तो कह सकते हो मैं बेस्ट हूँ। कहो मैं बेस्ट हूँ। तुम नहीं बोलोगी? तुम दूसरी बार, एक और बार फेलियर। लगता है मैं सच में घटिया फोटोग्राफर हूं, शायद यही मेरी सच्चाई है। Are you okay? समझ नहीं आ रहा अंदर ही अंदर क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। ऐसा लगता है कि शरद सही कह रहा था, शायद मुझ में ही टैलेंट नहीं है। hey, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं होता तो नेचर को ऐसे कैप्चर कैसे कर पाते? सही कहा, मैं स्पेशल हूँ। दुनिया का एक स्पेशल इंसान जिसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, सूरज। तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारे अंदर क्या क्या है। यू आर सो टैलेंटेड, आई नो दैट, बट यू शुड नो इट टू। तुम अपने दिल से ही क्यों नहीं पूछते कि तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है या नहीं? इज दिस रियली व्हाट यू वांट टू डू सूरज? अरे बिल्कुल नहीं, तू यही तो करना चाहता हूँ। पर क्यों? रिच बनने के लिए, फेमस होने के लिए? तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है नीतू। किसने कहा गलत है? पैसा, पॉपुलैरिटी, सक्सेस सब इम्पोर्टेंट है और ये सब तुम्हें मिलेगा भी, लेकिन उसके पीछे भागने से नहीं, अपने काम को एंजॉय करने से मिलेगा। वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। एक बार काम करने में खुशी मिलने लगे ना तो समझो दुनिया जीत ली। अपने अंदर के प्यार को महसूस करो और जब महसूस होने लगे तो धीरे धीरे आंखें खोलो।
सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करो, तभी दिल अपनी मंजिल को ढूंढ पाएगा। देर आर मैनी वेज टू मेडिटेट, डांस मेडिटेशन या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, यही तो लाइफ है। अपने आसपास की चीजों को एंजॉय करने लगो, यही लाइफ है। जैसे कि सूरज का उगना या सनसेट होना या फिर बटरफ्लाई के पीछे भागना। ओ नो। ओ, कोई बात नहीं, कोई दूसरी ढूंढ लेंगे। क्या फायदा, वो भी उड़ जाएगी। नॉरी बटरफ्लाइज, तुम्हें पता है जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो मेरा मूड ठीक करने का एक ही तरीका होता है। अच्छा, कौन सा? बटरफ्लाइज के पीछे भागना, बिकॉज आई लव दीज बटरफ्लाइज सो मच। तुम्हें क्या पसंद है? इतना भी नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है? Don't worry, मैं हेल्प करूंगी, but first तुम्हें मुझे एक आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, ओके? ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, रुको, चलते चलते बाबा। तो फाइनली हम आइसक्रीम खाने आ गए। आइसक्रीम खाने के बाद एडवेंचर पर चलेंगे। ऐसी कोई जगह पता? हाँ, यहाँ एक पॉन्ड है, वहाँ पर ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं और बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं। अच्छा? हे? बटरफ्लाई खुद चल के तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। फिर से उड़ गई। जाने दो, मैं हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। मेरे लिए भी भाई, जो तुम खाने वाली हो। ओके। थैंक यू। वैसे जानवी, तुम कह रही थी ना बटरफ्लाईज हमेशा भागती रहती हैं। पर मैंने एक पकड़ ली सिर्फ तुम्हारे लिए, देखो कैसी है। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। अच्छी लगी? आइसक्रीम से भी ज्यादा। यू लायर। मैंने कब झूठ बोला? तुमने कहा था ना कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। इस बटरफ्लाई ने हमें बता दिया। कौन सी बात बता दी? यू लाइक फोटोग्राफी। अरे धीरे। कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कम? मैं नहीं आ रही, गो। कल क्लास पे टेस्ट है, तुम आ रही हो या नहीं? देख लिया, बोला था ना मैंने, पेरेंट्स की दादागिरी है। आज तुम जाओ, अगली बार साथ में चलेंगे। ओके ओके, बाय बाय, सी यू।
कॉल इज स्विच्ड ऑफ। हेलो निकी, सूरज तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो, फोन भी नहीं आया। ललिता, सूरज अभी तक घर नहीं आया है। बच्चा थोड़ी है वो, आ जाएगा, डोंट वरी। अरे यार तू समझ नहीं रही है, वो बिना बताए कभी कहीं नहीं जाता है। कुछ अर्जेंट काम कर रही हूँ, आई कॉल यू बैक। ओके बाय। लगा वो आया। अभी तक नहीं आया वो, अब सब समझ में आ रहा है। आ जाएगा यार। कल से कुछ और नहीं सोच पा रही हूँ मैं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। उसे कुछ हो गया तो उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। I can't live without him। कुछ नहीं होगा। I hope he's fine। सूरज, are you okay? हाँ। मेरा बताए कहाँ चले गए थे तुम? हाँ? तुम रो रही हो? पर किस लिए? पूरी रात तुम कहाँ थे बताओ? नेचर के साथ अपना नाता जोड़ने। तुम और नेचर? हाँ यार, मैंने भी नहीं सोचा था। हे, जब मैंने तुमसे कहा था तब तो तुमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। पहली बार जो गौर से देख रहा हूं, कितना कुछ कहती है ये कुदरत हमसे। सूरज, कहाँ चले गए थे तुम? I was so worried। अरे, I'm so sorry। नहीं, ऐसा मत बोलो। क्या ड्रामे वाले? रात भर तो पूछा नहीं और चली आई मैडम अपना प्यार दिखाने। कोई जल रहा है? वाह, कहाँ से मिली ये पिक्चर्स? मैंने खींची है। तुमने खींची? हाँ यार मैंने। Are you serious? अरे सच में मैंने खींची है। सूरज झूठ मत बोलो। देखना तो देखो, नहीं तो जाओ। ओके ओके, हाँ तुमने खींची। अब जाके समझी कि तुम नेचर की पेंटिंग्स क्यों बनाया करते थे। तुम पहाड़ों की, बादलों की, पेड़ों की पिक्चर्स बनाया करते थे क्योंकि तुम नेचर लवर हो। अच्छा अब देखो सबसे बेस्ट वाली। अच्छा ठीक है, अब सीरियस हूं। Oh my God, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। सच कहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत के चेहरे पर तुम काले टीके की तरह लगी हो। वैसे I'm really proud of you। कमाल की फोटोज खींची है तुमने। इन्हें शरद के पास क्यों नहीं भेजते? और कल ठिकाने आ जाएगी उसकी। ओके मत भेजो, अभी को भेज देते हैं। वो इसे अपनी मैगजीन में पब्लिश करवा सकता है। क्या पता जॉब ही ऑफर कर दे। यार ये फोटोज किसी मकसद से नहीं खींचे, ये जज्बात है, कोई बिकाऊ चीज नहीं। जिंदगी के कुछ पल हैं जिन्हें मैंने कैद कर लिया। अभी आया। गुड, मैं भेज देती हूँ। ए शरद, 10 जन्म लेगा ना तब भी ऐसी फोटो नहीं खींच पाएगा तू। और अगर हिम्मत है ना तो खींच के दिखा दे, भेज रही हूँ। क्या भेज रहे हैं? वाह,
ओए शरद, हाँ? सूरज की फोटोज देखे? डिलीट मार। एक बार देख तो लो। I said delete it. सूरज। हाय, कैसी हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस गार्डनिंग कर रहा था। यार ये गोवा की लड़कियाँ दूर से बात नहीं कर सकती हैं क्या? जब देखो चिपकने लगती हैं। सूरज, ओ सूरज, बहुत मिस किया। तो इसमें गलत ही क्या है? हाँ, वैसे भी दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसने ऐसा कहा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। और सूरज किसी और से क्लोज नहीं हो सकता। यू नो व्हाट, तुम्हें सूरज से प्यार हो गया है। व्हाट? हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ए, रिलेशनशिप की शुरुआत फ्रेंडशिप से ही होती है, और आगे कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। सबको दिल की बात सुनने पर लेक्चर देती हो, कभी अपना ख्याल नहीं आया। और बता, आज उस दिन की तरह मत पीना। ये सूरज वहां बैठते हैं ना, और ये भी ना। उठ, चलो उठ। सॉरी यार, सच में सॉरी यार, सब मेरी गलती थी। कैसा है यार? वाह, वाह। God, I can't believe this. We are in love. Hold on. मुझे पहले से ही पता था that you are in love. वो तुम्हारा सूरज है. He is yours. जाओ, confess करो. All the best. Okay. तुम्हारे लिए एक surprise है. Pond के पास आ जाओ. तुम्हारी तरह शायद उसे भी कुछ confess करना है. मैं खुद नहीं जानता था कि ये फीलिंग मुझ में है। पहली बार किसी के लिए ऐसा महसूस हो रहा है। I love you. I love you too. I really love you, सूरज। I love you. हाय, क्या हुआ? मैं ठीक हूं? ओके, मुझे कंसोल करने के लिए आई हो ना? वापस जाओ, मैं नहीं रो रही, मैं नहीं रोने वाली।
I'm fine. Please जाओ. Just go. Shh. It's okay. I'm fine. Come, sit down. लगा था पूरी दुनिया मिलकर मुझे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, वो प्योर लव था, जस्ट लाइक प्योर गोल्ड. मैंने उसे फील किया था, पर एक ही पल में उसे निकी का होते हुए देखा. क्या हो गया उसे? कल वो मेरे पास आया था, वो सब क्या था? क्या कह सकते हैं, रात को नशे में डूबा हुआ था. मतलब उसने जो भी किया वो नशे ने उसे करवाया था? मतलब वो मेरे लिए कुछ फील नहीं करता? मैं बस इतना जानती हूँ कि वो भी तुम्हारे लिए फील करता है, पर जब ज्यादा पी लेते हैं तो दिमाग काबू में नहीं रहता. वो क्या करता है उसे होश ही नहीं रहता. लेकिन इतना जानती हूँ कि दिल की गहराइयों में वो सिर्फ तुम्हें चाहता है. हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है. जितना प्यार मैं उससे करती हूँ ना, मेरे ख्याल से मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है. लव होना अलग बात है, उसे रियलाइज करना अलग. तुम्हें अपना लव पहचाने में टाइम लगा था ना, तो बस उसे भी थोड़ा टाइम दो. और तब तक तुम्हें ये करना है कि सीक्रेटली उसकी हेल्प करो. पर कैसे? सबसे पहले उस चुड़ैल से ब्रेकअप करवाओ. व्हाट? मैडम, एक तरह से निकी की हेल्प कर रही हो तुम. बिकॉज सूरज लव्स यू, नॉट हर. अरे मुंह क्यों फाड़ रही हो? तुम्हारे खाने के लिए नहीं है. इससे त्वचा खिल जाती है. मेरे लिए काइस्टी बनाओ ना, मैं भी आया. हाय हाय नित्या, हाउ आर यू? आई एम गुड. सूरज नहीं दिख रहा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया. क्या कहा? तुम मेरी टांग खींच रही हो? हाँ, मजाक करते हैं तो मन हल्का हो जाता है. फेस पर हनी लगाया था उसने, नहाने गया. ओह माय गॉड, इससे अच्छा ब्यूटी पार्लर जाता. एक्चुअली पैसे बचा रहा है ये लड़का भी ना. एनीवे, सूरज के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है मुझे. ओके, तुम इसे अच्छी तरह से जानती हो, मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? या श्योर, अच्छे से शॉपिंग करेंगे. रियली? थैंक यू. नित्या, ये टी शर्ट कैसी है? ओ, अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता उसे पसंद आएगी. क्यों नहीं आएगी? वो ना सिर्फ ब्राइट कलर्स पहनता है, उसकी चॉइस बाकियों से हटके है. उसके सामने रेड साड़ी पहनकर जाओ, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा. छी, रेड साड़ी? सिंपल तो है, उसे इम्प्रेस करना है तो उसकी चॉइस का पहनो. ओके, ऑफकोर्स. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना? और ये रेड शर्ट उसके लिए अच्छा लगेगा. ओके. We are back to square one. कब से एक भी fresh talent नहीं ढूंढ पाए. नए को लेना risky नहीं होगा सर. सर, पीटर सिर्फ गोवा का ही नहीं, इंडिया का बेस्ट फोटोग्राफर है. I don't care. I want a change. कुछ different और unique होना चाहिए. Anyway, आप शायद मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे. So thanks. What the hell is going on here? सर, सर, दो मिनट सर. छोड़ मुझे. सर, कुछ है जो दिखाना चाहता हूँ. सर, आपको पक्का अच्छा लगेगा सर. सर, प्लीज सर, दो मिनट सर. ओके, गो. थैंक यू सर. Super.
ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था. फुल ऑफ लाइफ. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. थैंक यू. इमीडिएटली शूट स्टार्ट करते हैं. वैसे भी हम काफी लेट हो चुके हैं. हो जाएगा सर. या श्योर सर. ऐसा हिडन टैलेंट था तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये फोटो सूरज ने लिए हैं सर. सूरज ये कौन है? अरे सर वही जिसने उस एड को शूट किया था. अच्छा वही? नो वे सर. इसीलिए तो मैं इसे रोक रहा था वहाँ. बिलीव मी सर, ये तस्वीरें उसी ने निकाली है. कल ही भेजी उसने मुझे. तुम्हारा असिस्टेंट तुमसे ज्यादा एफिशिएंट है. शूट के शेड्यूल्स बनाओ. कछुआ कछुआ ही रहेगा, समझ गया ना? पर रेस तो जीत गया ना मैं. नहीं 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 नहीं. जा आवान दे. तुम्हें याद है ना क्या बोलना है? यही कि तुम उसे इतना प्यार क्यों करते हो. फील के साथ बोलो. अच्छा फील के साथ. हाँ. तुम उसे इतना प्यार क्यों करते हो? गहराई होनी चाहिए, गहराई. तुम उसे इतना प्यार क्यों करते हो? गुड, यही सही है. ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. मुझ पर छोड़ दो. चल हट. अरे अरे यार बैठ. अरे सूरज क्या चल रहा है? बेवॉच मेरा फेवरेट है ये. अच्छा तुम इतना प्यार क्यों करते हो? सीजन 3 चल रहा है. और बता क्या चल रहा है? बस यार टाइम पास. अरे मुझसे इतना प्यार. अगर तू कुछ नहीं कर रहा है तो फिर कुछ काम कर लेना यार. काम मैं तुझे दिलवाता हूँ. बड़ा है मुझे काम देगा. चल टीवी देख. अरे टीवी बंद ए? करना. अच्छा एक बात बता, मैं तेरा क्या लगता हूँ? दोस्त हो? दोस्त हूँ ना. तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो? चुप कर यार. ओके. बचपन में हम लंगोटिया यार थे. हम दोनों ने साथ में चड्डियां बदली. फुगड़ी खेली वो भी भूल गया. हमने कब फुगड़ी खेली? लगता है तू भूल गया, लेकिन मुझे सब कुछ याद है दोस्त. मैं नहीं भूल सकता. तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो? कल रात भगवान सपने में आए थे. पूछा पीटर को मौका क्यों दे रहे हो? ऑलरेडी उसकी लाइफ सेट हो चुकी है. अगर मौका देना है तो बेस्ट फ्रेंड को दो ना. और मैंने कहा कि मैं. तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो? बस तुम मेरी बात समझ गए. इसे कोई फर्क नहीं पड़ा. देखो ना वही तो. बर्थडे पार्टी का काम मिला है. दो दो पार्टीज में जाना है. तेरा काम नहीं हो पाएगा, तू किसी और को बुला ले. अरे नहीं 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 नहीं. मेरी बात सुन ले. तेरे सिवा मेरा और कोई चारा नहीं है. गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरी उम्र निकल चुकी है यार. पापी पेट का सवाल है. ये देख, मनी फेम ग्लैमर सब कुछ मिलेगा तुझे. यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये अनोखा मौका तुझे मिला है इंडिया का नंबर वन फैशन फोटोग्राफर बनने का. इसका मतलब नेक्स्ट फोटोग्राफर तू बनेगा. प्लीज मेरे भाई इस बार ना मत कहना. ये देख 5 लाख का चेक, वो भी एडवांस मिला है. तुम उससे इतना प्यार क्यों करते हो? इससे करो. सूरज अबे नेचर शूट. आराम से गुरु माता भूल गए कैसे करके. उसको सांस लो, सांस लो. वेट अबे सूरज मेरे पास ही है, बात करो. ओके हाय अबे कैसे हो? हे सूरज, ऐसी फैंटास्टिक पिक्स लेनी कहां से सीखी? तुमने सेंड की थी? एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. थैंक्स यार. ओके मेरे मैगजीन के लिए कल ही फोटोशूट करवाना है. So you guys tell me, ready ho? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी टीम है ना तुम्हें हेल्प करेगी. तुम बस लोकेशन बता दो, हम वहाँ पहुँच जाएंगे. या श्योर. बाय बाय. वाह यार तुम लोग तो छुपे रुस्तम निकले. अच्छा तुम दोनों वहाँ जाके फोटो जरूर भेजना. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि एड का शूट कब है? ओ मैं तो ये भूल ही गया यार. एक ही दिन 2 शूट कैसे मैनेज करोगे? या तो उसका पता काटू या ये मेरा पता काटे. मैं कैसे भूल गया, सब क्लैश हो गया यार. अबे को समझा देना, इस बार नहीं हो पाएगा. चल यार. सूरज मेरी बात सुनो. This is not what you want. Actually तुम सही हो यार. मुझे ये सब नहीं चाहिए. आगे से सिर्फ बिकिनी फोटो शूट करूंगा. Calendar girls, हाँ? Yeah. Come on, चलो, let's go. See you girls. Bye. तुम निकल गए? बस निकलने वाला हूँ. लेली का ही वेट कर रहा हूँ. ठीक है चल. नीतू चलो मेरे साथ. कहाँ चलना है? नेचर से नाता छोड़ने. क्या ये? सूरज ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता सर. उसे बात तो हो गई थी ना, फिर क्या हुआ?
लास्ट मोमेंट पे कैसे कह सकता है कि वो नहीं करेगा। अचानक उसने अभय का प्रोजेक्ट कैसे ले लिया, हर दो घड़ी अपना दिमाग बदलता है। यही तो होता है जब फाइनली इंसान अपने दिल की बात सुनने लगता है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। कल तो एंग्री बर्ड का रिएक्शन देखने लायक था यार। यहाँ पर नौकरी खतरे में और तुम्हें मजाक सोच रहा है। और क्या करें, एक फोटो निकालना। ठीक है, ढंग से पोज दे। सही है। अरे अरे, वो वहां चलना। ऐसी बारिश, ऐसा कीचड़, मुझे पता है वो गिरेगी। मजा आएगा। चल। अरे संभल कर, तुम ठीक तो हो ना? मैं और नहीं चल सकती। अब तो कुछ नहीं होगा ना? ठीक से पकड़ो। ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। अरे कल बॉस ने बहुत डांटा यार। अरे तू बॉस बॉस मत कर यार, नेचर देख। वाओ, ब्यूटीफुल। पहाड़ों से वार्तालाप चालू है। दूर दूर से क्यों बातें कर रही हो? चलो पहाड़ पे चढ़ के बातें करते हैं। आ जाओ आ जाओ। बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। ए, सूरज, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे एंग्री बर्ड पता नहीं पार्टी में क्या करेगा। चोच तो नहीं मारेगा ना? देख मेरे दोस्त, संभाल लेना बस। एक दो तीन। हाय शरद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सूरज इज हियर। सूरज, हाय सर, वेलकम वेलकम। ओह चीयर्स। अब सर सॉरी, वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि। डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स ओके, इट हैपेंस। या हमें बेस्टी चाहिए, कोई अर्जेंसी नहीं है। जब फ्री हो तो बता देना। टेक योर टाइम। सर उसी के बारे में कुछ कहना था, बात यह है कि मैं। सूरज, सूरज। या सूरज। हाय सूरज, हाउ आर यू? फाइनली आई गॉट टू सी यू। कम। निकी ने मुझे बताया फोटोग्राफी। हाँ, इंटरेस्टिंग। मम्मी मम्मी, आप इन्हें बताओ ना आप क्या करते हो। श्योर। हे, सेक्स काउंसलिंग। हेलो मैडम, हाय। हाय। मैं जो वहाँ मेरे सर बैठा है ना, उनको 3 साल से जानता हूँ। मैं निकी को जानता हूँ, आपकी बेटी को जानता हूँ। आपके घर में वो जो 3 पेट्स है ना, उनसे भी फ्रेंडशिप हो गई है। अच्छा, लेकिन कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। बचपन में जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तब से मुझे बहुत डाउट है। कई साइकियाट्रिस्ट से मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन कभी मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। फिर मैं जवान हो गया, लेकिन आज तक मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। आज तक मैं उन सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हुआ हूँ। मुझे लगा कि कहीं तो ऐसा इंसान मिलेगा जो। अरे बेटा, यहाँ 3 लोग खड़े थे, कहाँ चले गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो कहाँ चले गए? मैं चौकीदार हूँ। सर एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी। रुको यार, पहले चीयर्स तो कर लो। टू सूरज। सूरज सर, मैं ये कैंपेन नहीं कर पाऊंगा। सर मजाक कर रहे हो ना? नहीं सर, मेरा सपना ये सब करना नहीं है। यू वांट मोर मनी, राइट? नो प्रॉब्लम, तुम डिजर्विंग हो, तुम्हें और पैसे मिलने चाहिए। नहीं सर, बात पैसे की नहीं है। एक्चुअली मुझे नेचर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, फैशन फोटोग्राफी में नहीं। अरे ये मुझे डिसाइड करने दो। वैसे भी नेचर फोटोग्राफी में क्या रखा है यार? स्कोप नहीं पर सुकून है सर, पैसों का पता नहीं पर सैटिस्फैक्शन बहुत मिलता है। सैटिस्फैक्शन मिलता है? फैशन फोटोग्राफी में पैसे मिलते हैं, फेम मिलता है, सक्सेस मिलता है। सफलता पाना मंजिल नहीं है सर, उस तक पहुंचने का सफर है। सक्सेस और खुशी दो अलग चीजें हैं सर। बहुत बकवास सुन ली मैंने। निकी, कम हियर। यस डैड। इसके बारे में क्या राय है तुम्हारी? मैं इसे चाहती हूँ डैड। एज अ फोटोग्राफर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंसान के तौर पर यह हीरा है। कमाल का लड़का चुना है तुमने। दौलत शौहरत की परवाह किए बिना ये अपने पैशन और खुशी को फॉलो करता है। बिलीव मी बेटा, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लकी गर्ल। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। हाय। हाय। कल की पार्टी कैसी रही? आह, डोंट आस्क, वो ड्रामा सबके सामने कह दिया, उसे फैशन फोटोग्राफी पसंद नहीं है। You should have seen my dad.
बहुत टेंशन हो गई, हाथ से बड़ा क्लाइंट जो निकल गया, मुझे लगा सब खत्म हो गया। एनीवे फाइनली डैड को सूरज पसंद आया, पता है उसे काफी इंप्रेस हुए। उसे इंटरेस्ट है नेचर फोटोग्राफी में, समझ में नहीं आया उसे फैशन फोटोग्राफी क्यों पसंद नहीं है। उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, पर उसकी सोच यहाँ पर सबसे अलग है। अपने नजरिए से दुनिया को देखता है वो, एकदम हैप्पी गो लकी है, पर अंदर से इनसिक्योर, ऊपर से गुस्सैल भी। पर उसमें बहुत सी पॉजिटिव क्वालिटीज भी हैं, लाइक ही इज सच ए डीप पर्सन, और दिल में सबके लिए कितना प्यार है, एकदम क्रिएटिव, एंड अबव ऑल एक ट्रू नेचर लवर भी है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है पर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। सबसे अलग है वो। चाय गर्मा गर्म। या गुरु माता, तुम दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनाती हो। थैंक यू, आई लव यू। सुनो, दो मिनट में तैयार होता हूं। ओह माय गॉड, तुम सूरज से प्यार करती हो ना? मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है वो क्या सोचता है, उसे क्या पसंद है, सब कुछ पता है तुम्हें। लिसन, अपने दिल से उसका ख्याल अभी निकाल दो, वो बस तुम्हारी बचपन का दोस्त है, दैट्स ऑल, ज्यादा मत सोचो। और इसे प्यार समझने की भूल मत करो, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वो मेरा था और मेरा ही रहेगा। व्हाट, क्या बोली रे? बस उसे ये बात अभी तक पता नहीं है। ओके, व्हाट रबिश। रबिश तो तुम हो, ये ट्रू लव है। तुमने कहा था ना प्यार हमेशा दो तरफा होता है, मुझे तो ऑलरेडी है, बस उसका वेट कर। ख्याली पुलाव मत पकाओ, बेवकूफ हो तुम, सूरज मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। सूरज, एक बात जानते हो, यू लव मी। जानती हूँ अजीब है कि तुम्हें प्यार है, लेकिन ये बात मैं बता रही हूँ। एक्चुअली हम सालों से एक दूसरे को प्यार करते आए हैं, और बाकी सब ये बात जानते हैं, बस हमें नहीं पता था। एनीवे, इट्स नेवर टू लेट। प्लीज अपने दिल की आवाज सुनो, धड़कन खुद बताएगी। तुम्हारा इंतजार रहेगा। आई लव यू। हाय भाभी, हाउ आर यू? क्या हुआ दद्दू, सो रहे हैं क्या? बोलो, ये दिए क्यों जला रखे हैं? ओह, कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए। पूजा करके पति के पैर छुओगी ना? वो परमेश्वर बनके आशीर्वाद देंगे, यही बात है ना? नौटंकी होती है ये सब भाभी। व्हाट अ सिली फंक्शन। ये सिली फंक्शन तुम्हारे लिए होगा नित्या, इससे पति के साथ रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन मैं क्यों उसकी पैर छूंगी, हमारी शादी थोड़ी हुई है। आज नहीं तो कल शादी होकर रहेगी, तुम देखना। और इस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं। चलो बाद में बात करती हूँ। बाय। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी फोटोज पसंद आई। दरअसल मेरा नेचर के साथ अभी भी नाता जुड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, उसको कैप्चर करना और अरे बस करो, क्या कर रही हो? मैं इंटरव्यू दे रहा था, बाद में बात कर लेना। गुरु माता, आज साड़ी में क्या बात है? मैं पैर छूंगी, तुम आशीर्वाद देना। ओ, अच्छा अच्छा, क्या बात है, संस्कारी लड़की बन गई। एक सेकंड ना। सदा क्या आशीर्वाद देते हैं यार, मेरा यार सदा सुखी रहो, जल्दी से तुम्हें एक हैंडसम डैशिंग पति मिले। हाँ हाँ, वही वही, तुम समझ गए ना? ठीक है, जो तुमने बोला वो सदा रहो, ये लो। चुटी काट रही, नॉटी गुरु माता। क्या नौटंकी है? हाँ हाँ, ये सब क्या लगा रखा है? ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, शादी से पहले होने वाले पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेना। वो तुम्हारा पति नहीं बनेगा। बनेगा क्योंकि घर वालों ने कहा है, बहुत पहले से ही फिक्स है। पर उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लिसन नित्या, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ओके सूरज, सूरज कैन यू प्लीज कम हियर।
सूरज सूरज एक मिनट एंडिया, मैं बस अभी आया। सूरज, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? ये सब क्या है? दिए हैं। वेरी फनी, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था वो सब? अच्छा वो सब, अरे इसने मेरे पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया, देखा जाए तो एक तरह का एक्सचेंज है, ये हम बचपन से कर रहे हैं। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी फैमिली में चलता है। पैर उसी के छुए जाते हैं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली हो, तो क्या तुम्हारी शादी इससे होने वाली है? क्या सूरज, मैं इस कंफ्यूजन से तंग आ चुकी हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे किस बात का कंफ्यूजन, जानना चाहते हो? प्लीज बताओ। नित्या तुमसे लव करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। सॉरी यार मैं हंस रहा हूँ, पर इस बात पे हंसू नहीं तो और क्या करूँ मैं? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक ही है, और क्या हो सकता है? ओके बताओ, क्या तुम उससे प्यार करते हो? अरे हम सिर्फ दोस्त हैं, उसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अगर उससे प्यार नहीं है तो यही बात उसके सामने कहो ना। निकी, नित्या अभय से प्यार करती है। ठीक से समझाओ। नित्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, हम सिर्फ दोस्त हैं। अब तो तुम खुश, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं और नित्या प्यार कर सकते हैं? अब भी इसे मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा। नित्या यार तुम ही समझाओ कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, समझाओ इसे। हम लवर कैसे हो सकते हैं, बस बचपन से साथ रहे हैं, हर सीक्रेट शेयर किए हैं, बस दैट्स ऑल। इसे लव थोड़ी कहते हैं। खुशी या गम शेयर करने से क्या होता है, फीलिंग्स तो शेयर नहीं की ना। कुछ भी नहीं है हमारे बीच। थैंक यू। ये कैसे बिना सर पैर की बात कर रही हो, हम एक दूसरे से प्यार करते होते तो शादी से भागते ही क्यों? अरे कुछ तो सोच के बोला करो। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो प्यार में विश्वास ना हो तो वो टिकता नहीं है, इसलिए तुम जो कहो मैं करूंगा, मैं अपने प्यार को साबित करूंगा। निकी बताओ मैं क्या करूं? अरे ये फिर रोना चालू कर दिया। एक सेकंड, एक मिनट। निकी आई लव यू, मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी, यस ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी। कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों सेलिब्रेट करो, मैं जाती हूँ। ऐसा मत कहो, तुम गलत नहीं थी, तुम उसे प्यार करती हो, तुमने ये महसूस किया है और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। थैंक्स, तुमने सूरज से कुछ नहीं कहा, पता नहीं मैं किस वहम में जी रही थी। I'm really sorry, नित्या। No, I'm sorry. जबरदस्ती अपना प्यार थोप रही थी मैं। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम बिल्कुल सही थी। He's yours. हाय दद्दू। hey, नित्या, तुमने तो कहा था तुम सरप्राइज दोगी। मैंने ऐसा कहा था? वो मैंने कार्तिक पूर्णिमा में दिए। hey, नित्या
बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ मत पूछे, मैं यही बता पाऊंगी दद्दू, तू आंसू रुक के नहीं रहे। नित्या अभी नहीं दद्दू, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे अरे इससे पहले कि तुम फोन रखो मुझे कुछ कहना है। दुख में हिम्मत रखना सीखो, खोई हुई खुशी जरूर मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दद्दू। ब्यूटीफुल लग रहा है ना? चलो आ जाओ। अरे ये क्या हुआ? नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे मस्ती कर रहे हो यार, रुको ना, बस भी करो। स्टॉप इट। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं करो, जाओ तुम नीचे, जाओ जाओ। आई लव यू यार, आई लव यू लव। अभय ने मुझे प्रपोज किया है, मैं उसे हाँ कहने वाली हूँ। नित्या इतनी जल्दी फैसला मत लो, खुद को थोड़ा टाइम तो दो, एक बार अपने दिल की आवाज सुनो प्लीज। दिल की आवाज सुनकर मिला भी क्या, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल। लाइफ में मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो अभय नित्या से शादी कर रहा हूँ, बहुत खतरा है, अब एक बार सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, भाग सकते हो तो भाग जाओ। I'm 100% sure. And congrats to you guys. Cheers. 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 My God, दद्दू गोवा आ गए। आप लोगों ने तो हमें मुजरिम बना के रख दिया, बिना पूछे रिश्ता करेंगे तो यही होगा ना? हम दोनों बालिग हैं, हमें किससे शादी करनी है, किसके साथ लाइफ बितानी है, हमारा डिसीजन होना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं उसको, नक्षत्र, हाँ कुंडली मिला ली तो काफी है, शादी होने के लिए दो लोगों की सोच आपस में मिलनी चाहिए। देखिए मैं और नीतू बचपन के दोस्त हैं, जैसे आप दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो क्या हर लड़का लड़की की शादी इसी फैमिली में करवाएंगे? इनफ, ये टॉपिक यही खत्म करो। तुम दोनों का रिश्ता करवाया उसके लिए सॉरी, तुम दोनों प्यार करते हो इसलिए रिश्ता करवाया, ना कि नक्षत्र या कुंडलियों की वजह से। जाने दो, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर देना। अरे सॉरी की जरूरत नहीं है, तुमने अपने दिल की बात मुझे क्यों नहीं बताई? अभी तक पता नहीं था जिंदगी से क्या चाहता हूं, पर अब पता चल गया। फोटोग्राफी और निकी, निकी के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं। उससे इतना ज्यादा प्यार करते हो या फिर सिर्फ अच्छी लगती है? पूरा ट्रू लव है, और सिर्फ मैं ही नहीं, नित्या भी किसी से प्यार करती है, अभय नाम है उसका। अब नित्या यहाँ पर आना। कौन है वो महाशय? चलो इतना ही बताओ कि खुश तो रहोगी? घर से निकले, लोगों से मिले और कोई अच्छा लग गया। गुड, फाइन। अब जब शादी का फैसला कर ही लिया है तो यहीं पे कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।
तुमने उसकी बेटी को देखा है? हाँ, देखा। कैसी लग रही हूँ? थैंक यू। यू नो समथिंग, मैरिड लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम सेक्स की कमी की वजह से ही होती है। मैं अपने पेशेंट से हमेशा कहती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। सो सैड। मैंने एक मेडिटेशन गेम बनाया है, हाथ को हाथ से कनेक्ट करो। पर यहाँ तो वाईफाई नहीं है। इसके लिए वाईफाई की जरूरत नहीं है। कैसे पता? इसे समझने के लिए ब्रेन्स चाहिए। यू सिली। हे वन सेकंड, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। होल्ड दिस। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। अब हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करेंगे और किसका पार्टनर कौन होगा वो इस लकी ड्रॉ से डिसाइड होगा। मम्मी, पहले मेरा मेडिटेशन गेम आपने प्रॉमिस किया था। ऑफ कोर्स, पहले तुम्हारा गेम खेलते हैं। कम ऑन। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। फील योर ब्रेथ, फील द सेंसेशन इन योर बॉडी। बताइए आपको क्या दिखा? तुम। और आपको? सूरज। ऋतिक रोशन। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। हनीमून प्लान कर लिया? डैड, इतनी जल्दी भी क्या? एकदम वर्कहोलिक है। इसका बस चले तो शादी के मंडप से सीधा ऑफिस जाए। ओके, चले जाएंगे। I'm so excited about the wedding. Finally. तुम्हें चाहिए? नहीं। सूरज, तुम खाओगे? No, thank you. Okay. कवर पेज में तुम्हारी फोटो। अब तो स्टार फोटोग्राफर बन गए हो ना। हर कोई तुम्हारी चर्चा कर रहा है, पर मेरे लिए तुम वही रहोगे, यूज़लेस फेलो। पार्टी कब दे रहे हो? एग्जैक्टली, लेट्स सेलिब्रेट। चलो आज रात को चलते हैं। नीतू? मैं नहीं आ पाऊंगी, अब है के पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाना। तो कल चलें? हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ, शादी की रात पार्टी करोगे? कल इसकी शादी है। सूरज। अरे भाई, हाय। दिस इज फॉर यू। डू यू लाइक इट? आई लव इट, पर इसकी क्या जरूरत थी? बेस्ट फोटोग्राफर के लिए बेस्ट कैमरा, फायदा तो मेरा ही है। थैंक्स। थैंक्स क्या यार सूरज, ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम एक इंडियन फोटोग्राफर इंटरनेशनल एग्जीबिशन में नोटिस हुआ, और तो और वो फोटोग्राफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है तुम्हारी फोटोज। शायद लकी हूँ। यस डैड। नित्या, सी यू। सी यू टुमारो। बाय। सी यू। नीतू, थैंक्स यार।
मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने बस अपने दिल की सुनी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आई नो, आंसू है ना। तो बताओ, किसी को मिस करने वाले हो ना? क्या? हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अपनी शादी में बुलाना मत भूलना, ओके? हे, यकीन नहीं हो रहा, कल नित्या की शादी हो जाएगी, उसके बाद हमारा नंबर है। आर यू एक्साइटेड? सुनो, क्या हुआ? चलो सेलिब्रेट करते हैं। मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है। वो मैं कर दूंगी। चलो शाम को कहीं चलते हैं, ओके? थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, If you don't mind. Yeah, sure. I'll see you tomorrow. Bye. 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 क्या लिख रही है? It's personal. मुझसे भी कुछ छुपाना चाहती हो? ये बिल पे कर दिया है। अच्छा, राइट। सुनो, पार्टी में सूट पहनोगे या रोज की तरह यही कपड़े पहनोगे? मुझे ये शादी नहीं करनी है। कोई वजह? पता नहीं, दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। क्या चाहते हो तुम? लाइफ में पहली बार अपने दिल की आवाज सुन रहे हो। है कोई झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं एक कहानी सुनाता हूं। सेम तुम्हारी सिचुएशन ही है। एक लड़की थी, एक लड़का था, बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उसका एहसास नहीं था। दोनों के रिश्ते तय हो गए, शादियां भी हो गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह उनको रियलाइज हुआ कि उन्हें एक दूसरे से प्यार था, पर देर हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद क्या किया जा सकता है। एक बार शादी हो गई, कोई यू टर्न नहीं। तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हारी शादी देख सके, बस इसीलिए ये रिश्ता किया। शायद तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई मैंने। उस दिन जब तुम दोनों यहां से गए थे, हमें बहुत दुख हुआ, कितने रोए हम, उनकी आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। इस दुनिया में दो प्यार करने वालों की निशानी क्या है? उनकी आंखें जो एक ही नजर से देखती हैं, दोनों साथ हंसती हैं, दोनों साथ रोती हैं, दुख और सुख
दोनों साथ में अनुभव करती हैं। सूरज, प्यार बिल्कुल वही होता है, सिर्फ एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है, एक दूसरे के बिना सब अधूरा ही है। कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे जज्बात नहीं छुपने वाले, तुम्हारे ये दर्द आंसुओं से कभी कम नहीं होंगे। तुम्हें लगता है चुप रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा तुम अपने आप को ही धोखा दिए जा रहे हो। अब अपने मन को पूरी तरह हल्का करने के लिए जी भर कर रो लो, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें, मैं सच कह रहा हूं। बहा लो आंसू, बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है, डर लग रहा है। सूरज, सूरज, अभी तक बाथरूम से निकले नहीं तुम, चलो जल्दी, अरे लेट हो रहा है, चलो। What is this? इस ड्रेस में पार्टी जाओगे? मैं पार्टी में नहीं जा रहा। ओह, मुझे हैरानी नहीं हुई। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? मुझसे कोई गलती हुई? No, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो तुमसे कोई गलती हुई? मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नित्या से करते हो। बोलो, नित्या से प्यार करते हो ना? नजरें मत चुराओ, मेरी तरफ देखो। I love Nitya. How much? कितना ज्यादा प्यार है, सुनना चाहती हूं मैं, बोलो। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। वो पास नहीं होती है ना तो भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता। तुमसे सच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मुझसे प्यार नहीं था तो मेरे जज्बातों से क्यों खेले तुम? I'm sorry. तुम्हारे सॉरी का क्या करूं मैं? You're so complicated, do you know that? तुम्हें कुछ? Oh God, तुम पागल हो गए हो क्या? Anyway, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब गलती तो मेरी है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये फीलिंग पहले से थी, पर खुद से झूठ बोलती रही। एक बात बोलो, I love you, अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हें एहसास तक नहीं। प्यार भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तुम्हारा प्यार महसूस नहीं कर पाया और जिसका किया उसके लिए देर हो गई है। नित्या ने सही कहा था, उसने मुझसे कहा
तुम्हें उससे प्यार है, वो भी तुम्हें इतना ही चाहती है। देखा, उसी की बात सच निकली। वो मुझसे प्यार करती है? उसकी आंखों से पता चलता है तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती है वो। ये प्यार नहीं तो और क्या है? पागलों की तरह चाहती है वो तुम्हें। यू फूल, देखो इसे, पढ़ो इसे। ये उसने लिखा है। She loves you, Suraj. से प्यार करती? उसके दिल की आवाज है ये। आई टू गेट, मुझे उसे रोकना होगा, मैं उसे खो नहीं सकता। गो गेट हर, गो। आई एम सॉरी निकी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग आगे चले भी गए और तुम अब आ रहे हो? मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे एडवांस के पैसे पहले दे दीजिए प्लीज। क्या है ये, पैसे मांगने के अलावा तुझे कुछ आता है? मैं नहीं दूंगी, जा। हाँ सुनो, उसे वहां लगा दो और उसे किसी चीज का मोल उसके खोने के बाद ही पता चलता है बेटा। बहुत बुरा है किसी को पाने की उम्मीद तक टूट जाना। बेटा जिसे ढूंढते हुए तुम आए, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटा हम चुप रह सकते हैं लेकिन आंखें नहीं रहती, दोनों एक ही चीज देखती हैं। समझे कि नहीं? जैसे तुमने शादी के लिए इनकार कर दिया, नित्या ने भी कर दिया। दादू, नित्या कहां पर है? अब वो मैं कैसे बता सकता हूं, वो किससे शादी करना चाहती है, कहां मिलेगी, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। इस बारे में मैं क्या बताऊं? I love you, Dadu.
क्या कह रहा है तुम्हारा सूरज? कर रहे हो तुम? जो बहुत पहले करना चाहिए था। आई लव यू, मुझसे शादी करोगे? यस, आई लव यू टू। नेचर की तरह इसे सिर्फ महसूस करो।